5 जनवरी 2018 उस दिन का वो दर्दनाक हादसा इंदौर वासियों के सभी के जहन में आज भी जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 जनवरी को बायपास पर हुए उस दर्दनाक हादसे की, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस एक ट्रक से टकरा गई थी और हादसे में 4 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं कुछ बच्चे अब भी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हादसे को एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने अब तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मुख्यमंत्री भी परिजनों को पहले ही कह चुके हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए परिजनों ने सुबह स्कूल के गेट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं शाम को रिगल तिराहे पर हादसे का शिकार हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर परिजनों ने कहा कि हम जल्द से जल्द पुलिस जिम्मेदारों से कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। घटना को एक महीना पूरा हो गया है तो बच्चों को एक श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे सुबह स्कूल के गेट के सामने श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सभी पालकों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ अन्य पालकों ने सुबह स्कूल के सामने श्रद्धांजलि देने में सहयोग दिया। और अभी यहाँ पे भी हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ में सरकार से मेरी ये मांग है कि एक महीना हो गया इस हादसे को, इसकी जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद भी हमको नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं उसको डिपार्टमेंटल चीज़ों में उलझा के और दबाया जा रहा है। तो अब ये एक चिंता समझ में आ रही है कि भैया ये जांच रिपोर्ट आखिर क्यों छुपाई जा रही है? ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको सार्वजनिक करने में आपत्ति क्या है? किसको बचाने के लिए जाँच रिपोर्ट छुपाई जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक महीना हो गया है, जिस गाइडलाइन का सीबीएसई की और सुप्रीम कोर्ट के जिन आदेशों का हवाला देते हुए प्रबंधन को जिम्मेदार माना गया है जांच में, उन गाइडलाइंस के अंदर साफ लिखा है कि किसी भी तरीके के लैब्स के लिए प्रिंसिपल और स्कूल का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। लेकिन एक महीना हो गया, अभी तक प्रिंसिपल और स्कूल के मैनेजमेंट पर कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उन लोगों को उल्टा बढ़ावा दिया जा रहा है कि आगे से भी अगर कोई घटना हो तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई जिम्मेदार लोगों पर नहीं होगी, सिर्फ निचले तबके पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को एक दिखाने के लिए दिखावे की कार्रवाई उनके ऊपर कर दी गई है। श्रद्धांजलि सभा में बच्चों के पेरेंट्स, अन्य संगठनों के लोगों के साथ बड़ी संख्या में शहर के लोग हाथों में तख्तियां लिए मौजूद थे। सभी का सिर्फ यही कहना था कि डीपीएस हमारी सबसे बड़ी भूल है।